हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं विंड सॉक के बारे में। ये एक कॉनिकल टेक्सटाइल ट्यूब जैसा होता है जो कि एक जायंट सॉक जैसा भी दिखता है, और इसका काम है इंडिकेशन देना विंड स्पीड और उसके डायरेक्शन के बारे में। इसकी बनावट और इसका जो रूप है, ये विंड सेल्स जो कि नेवल शिप्स द्वारा 19th सेंचुरी में यूज़ किया जाता था, उसकी वजह से ऐसी है। इसके ऊपर लाल और सफ़ेद जो स्ट्राइप्स हैं वो हमें दर्शाती हैं कि अभी इस समय पर जो विंड सॉक है वो कितनी विंड स्पीड को मेज़र कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि विंड सॉक को पढ़ने का क्या तरीका है। तो जैसा कि आप पहली पिक्चर में देख रहे हैं, विंड सॉक का बाकी सारा हिस्सा जो है वो झुका हुआ है और सिर्फ एक ही लाल कलर की स्ट्राइप ऊपर है। तो इसको देखने से हमें पता चलता है कि यहाँ स्पीड जो है वो 3.5 माइल्स पर आवर या 5.5 किलोमीटर पर आवर है। और अगर नॉट्स हमें समझ में आते हैं तो हम समझ लेते हैं कि इसको 3 नॉट्स की स्पीड कही जाती है। 3 नॉट का मतलब है 5.5 किलोमीटर पर आवर या 3.5 माइल्स पर आवर या 1.5 मीटर पर सेकेंड। दूसरी में जैसे ही पहली लाल और दूसरी सफ़ेद ऊपर उठ जाती है तो 6 नॉट्स, तीसरी लाल उठती है तो 9 नॉट्स, चौथी सफ़ेद उठती है तो 12 नॉट, और लास्ट वाली भी अगर उठ जाती है तो 15 नॉट्स की स्पीड है। लेकिन अगर ये वहाँ से निकल जाता है तो हमें समझ लेना है कि अभी 75 नॉट यानी 75 नॉट्स की स्पीड है। थैंक यू।